लाहौर के अंदर आपने देखा होगा, शांति हुई, सब कुछ हुआ, सारा भाईचारा वहाँ पर रहा। एक छोटा सा केस हुआ था एंट्री के अंदर, जिसमें मैं और एस के साथ हम दोनों जाके वहाँ पर पहुँचे थे, लोगों के बीच में था, कोई बड़ा इशू होने से बच गया। आप सबके बड़े बुजुर्गों ने उसका साथ दिया। बीच में कोविड आया, कोविड के अंदर भी आप लोगों ने साथ दिया। कोई भी इस तरह से एक्सीडेंट नहीं हुआ जिसके अंतर्गत कि कोई झगड़ा हो। सरकार ने आप सबके लिए हर चीज़ के लिए, चाहे दवाखाना बनाना हो, चाहे स्कूल बनाना हो, चाहे बच्चों की भर्ती करनी हो, चाहे यहाँ पर किसी भी तौर पे आपको फैसिलिटी देनी हो, सरकार ने स्पेशल ये डिस्ट्रिक्ट चुना है कि आपको यहाँ पर पैसा खर्च करके सरकार। अभी सीएम साहब ने थोड़े दिन पहले ही पानी पीने के लिए उद्घाटन करवाया, ठीक है, कई गाँव के अंदर जहाँ पर पीने का पानी तक नहीं था उसके नहर लेके आए। तो ये सारा चीज़ इसलिए है कि जो मेवात पहले था जिसमें कि पीने का पानी तक नहीं था, उसमें घर घर पाँव पीने का पानी पहुँचा रहे। ये किस लिए कर रहे हैं? ताकि जो आपका जीवन नरक होता था वो सही हो जाए, आपके बच्चे पढ़ लिख लें। आज भी मेरे पास कई सारे ऐसे जज साहिबान हैं जो कि इस अलवर में आपके जज साहब हैं बगल में ही, जो कि मेवात से ही हैं। एक जज साहब आपके दादरी के अंदर हैं जो कि अलवर से, जो अपने नू से ही हैं, ठीक है। तीन चार आपके HCS अधिकारी हैं जो कि नू से, इधर जिरका से रहने वाले हैं। कई IAS हैं, IRS हैं जो गुड़गांव में पोस्टेड हैं। मेरे पास, मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में था इससे पहले, वहाँ पर वसीम नामक आपका MA था, यहीं से पुराना सही है, पढ़ लिख के गया हुआ है और अब ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या आपके बच्चे यही लड़ते मरते यही करते रहे? ऐसे हिंदुओं के वहाँ के बच्चे भी, दोनों साइड के बच्चे पढ़ते हैं, लिख के जाना पड़ता है, लेकिन हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? सारे पढ़े लिखे छोड़ के चले जाएंगे, आप दोनों यहाँ पर लड़ते रहे, क्या ये चाहते हो आप? या आप चाहते हो कि यहाँ पर हर गांव के अंदर पीने का पानी हो, सड़क हो, बिजली हो, ये चाहते हो ना आप? आप तो नहीं चाहते कि आपका नरक जीवन बने, ये सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। अब लड़ाई वड़ाई, अब आप देख लो, सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। सरकार ने इतनी बड़ी इंडस्ट्री रोज का मेयर में आ रही है 1000 करोड़ की, ठीक है। ये बॉम्बे एक्सप्रेस वे आपके यहाँ से जा रहा है, आपके जो जमीन का भाव 10-12 लाख थे, ज़्यादा नहीं, आज 2 साल पहले हम दोनों यहाँ थे 10-12 लाख थे, आज 2 करोड़ रुपये हो रहे हैं। किसके लिए हो रहा है? पैसा आपके पास ही आ रहा है। अब वो इंडस्ट्री वाले क्या बोलेंगे? बोले यार ये तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा छोड़ता है, छोड़ो यहाँ से। क्या आप चाहते हो? अच्छा, इंडस्ट्री आएगी, आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी। बेरोजगारी जो सबसे बड़ा जो कारण था आपका, ये रोड का था, जो आपकी रोड थी ना गुड़गांव अलवर, जिस पर आप हर बार कहते थे कि सबसे ज़्यादा होता है। मैंने ही अपने समय के अंदर 280 करोड़ रुपये का यहाँ पर काम के लिए कहा था, सरकार ने मंजूर किया ना, जिसको आप खूनी रास्ता कहते थे, हुआ ना उसके लिए। तो जो चीज़ हम बैठ के आप लोगों की मदद करने चाहते हैं, आप फिर वही किसी के भड़कावे में आके उसको खराब कर लेना चाहते हैं। एक आम मेवाती का नुकसान हो रहा है, एक आम आदमी अपनी कमा के खा रहा है, उसका इस दंगे से नुकसान हो रहा है, उसका कोई रोल नहीं है इसमें।